ट्रेन ट्रैक्टर। मंसीपुर नाम के गांव में एक पंकज सिंह नाम का एक व्यापारी रहता था। पूरे गांव में उसी के पास बहुत सारे ट्रैक्टर होने के कारण उसे बहुत घमंड था और वो लालची भी था। उसी गांव में एक विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। वो मैकेनिक था और वो नई नई चीजें बनाकर लोगों की मदद करता रहता था। उन गांव वालों के पास कोई और रास्ता नहीं था तो सारे गांव वाले किसानों को उसी से ही ट्रैक्टर भाड़े पर लेकर काम करना पड़ता था। अगर कोई भी गलती से उस गांव में ट्रैक्टर लेता तो उस ट्रैक्टर को आग लगा दी जाती। पंकज सिंह दिन ब दिन अपने ट्रैक्टर्स के रेट को बढ़ा रहा था। एक दिन पंकज सिंह सारे किसानों को बुलाकर उनसे बोला, गांव वालों, आज से अगर तुम लोग मेरे ट्रैक्टर को भाड़े पर ले जाओगे तो दिन का 2,000 से 3,000 देना होगा मुझे। वहां खड़ा एक किसान, साहब ये तो सही नहीं है, हमारा तो दिन का भी इतना नहीं बनता, हम आपको कैसे देंगे आप ही बताएं। तो पंकज सिंह, ए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेना है तो लो वरना निकल जाओ यहाँ से। तो सारे खड़े वहां किसानों ने चुप होकर उसे पैसे दिए। एक दिन बहुत दूर किसी गांव से विमला चंदू और उसके दादा सुमेश अपने ट्रैक्टर पर पंकज सिंह वाले गांव में आए और ट्रैक्टर को एक जगह पर ठहरा कर वहां रहने लगे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक किराए का घर भी ले सकें। एक दिन चंदू अपनी माँ विमला से, माँ ये रोजाना एक जगह से दूसरी जगह जा जा कर मैं तो थक गया हूँ। तो विमला, बेटा ये ट्रैक्टर ही हमारा घर है, इसी ट्रैक्टर की वजह से हम जी रहे हैं, लोगों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। किसान अब थक गए थे उस पंकज सिंह के रेट बढ़ाने पर, तो किसान उनके पास गए। लगता है आपका कोई घर नहीं है, इस गांव में आप नए लगते हो, क्या आप भाड़े पर हमें अपना ट्रैक्टर देंगे? इसी तरह आपकी भी मदद हो जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा, हम आपको एक दिन का 1,000 रुपये देंगे। वो पंकज सिंह ने तो ट्रैक्टर के रेट बढ़ा बढ़ा कर हमें बहुत परेशान किया हुआ है। हाँ भैया चिंता मत करो, हमारे लिए तो 1,000 रुपये भी बहुत हैं। तो ये सुनकर सारे किसान बहुत खुश हो गए और काम अच्छा चलने की वजह से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। उन्होंने घर भी लिया और बहुत सारे ट्रैक्टर्स भी खरीदे। जब पंकज सिंह को इस बात का पता चला तो वो उनके पास गया। ओए यू स्टूपिड पीपल, तुम मेरे बिजनेस को यहाँ बर्बाद करने के लिए आए हो, आज का समय देता हूँ, अगर यहाँ से नहीं निकले तो फिर देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। तो चंदू बोला, हमने आपके व्यापार को तो कुछ नहीं किया। लगता है तुम लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हारा तो मैं बंदोबस्त करता हूँ। जब वो रात को सब सो रहे होते हैं तो पंकज सिंह अपने कुछ बंदों को वहां पर लेकर आता है और उन सारे ट्रैक्टर्स के इंजन्स को निकाल कर भाग जाते हैं। सुबह जब चंदू का दादा सुमेश देखता है तो ये कैसे हो सकता है, इन सारे ट्रैक्टर्स के तो इंजन्स किसी ने चुरा लिए। तो चंदू को एक आइडिया आता है। तो चंदू, मैंने एक पुरानी ट्रेन जंगल में देखी थी, उसको किसी मैकेनिक से ठीक करवा कर इन सबको उनके पीछे लगा देंगे। और वो विष्णु मैकेनिक के पास जाकर चंदू ने सारा आइडिया उसे बताया और कुछ दिनों के बाद वो एक ट्रेन ट्रैक्टर में बदलकर तैयार हो गई। उसे गांव वालों को और भी आसानी हो गई, कम टाइम में ज्यादा सामान भी ले जाते और किराया भी बहुत कम था। मैजिकल जायंट मैंगो, ये शातिर नगर गांव था। वहां पर एक लालची सेठ पल्लू सिंह रहता था। उसके पास कई एकड़ कब्जे वाली जमीन थी जिस पर उसने
आम उगाए हुए थे। उसी गांव में एक विमला नाम की एक विधवा महिला थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन। पल्लू सिंह ने उनके घर पर कब्जा किया हुआ था और वो बेचारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहे थे। पल्लू सिंह दूसरों के घरों और जमीनों पर कब्जा कर लेता था और उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। एक दिन मोहन अपनी माँ विमला से बोला, माँ आखिर कब तक हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? इस लालची पल्लू सिंह ने तो हमारे इस बड़े घर पर और हमारी आम की सारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम इस छोटी सी झोंपड़ी में ही रह रहे हैं। अब इस लालची पल्लू सिंह का कुछ करना पड़ेगा। तो विमला बोली, बेटा मोहन, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन पल्लू सिंह उनके पास आकर बोला, ए तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। तुम जैसे गरीब लोगों की वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। अगर 2 दिन के बाद यहाँ से नहीं निकले तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो तुम देख लेना। मोहन उदास होकर अपनी बकरियों को लेकर जंगल में चला जाता है और अपने आप से कुछ कहने लगता है, पिताजी के जाने के बाद इस पल्लू सिंह ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसको तो मैं जरूर मजा चखाऊंगा। तो अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा एक मायावी आम प्रकट हुआ। डरो मत, मैं एक मायावी आम हूँ, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? तो मोहन बोला, मायावी आम उस लालची और घमंडी पल्लू सिंह की वजह से हम बहुत गरीब हो गए हैं। उसने हमारी सारी जगहों पर कब्जा किया हुआ है। हमारा घर और सारे आम वाली जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो वो मायावी आम बोला, मैं तुम्हें कुछ मायावी आम के बीज दे रहा हूँ। तुम इनको बो देना और रोजाना इनको पानी देना और फिर देखना इनका कमाल। और ये बात वहां पर आया एक पल्लू सिंह का गुंडा सुन लेता है और फौरन जाकर पल्लू सिंह को सारी बात बताता है। जब मोहन उन बीजों को पानी दे रहा होता है तो पल्लू सिंह छुप कर देख रहा होता है और कुछ दिनों के बाद वो बीज अब बहुत बड़े बड़े आमों में बदल जाते हैं। पल्लू सिंह ये देखकर मोहन और विमला के पास जाता है। तो पल्लू सिंह बोला, ओए ये सारी जमीन मेरी है और ये सारे आम भी मेरे हैं। तो मोहन बोला, ये आम तुम्हारे नहीं है, ये जमीन का हिस्सा हमारा है और इन आमों को मैं पानी देता था। तो पल्लू सिंह गुस्से में आ गया, ज्यादा मेरे साथ चालाकी मत दिखाओ, अब तुम मेरे साथ पंगा लोगे। और अपने गुंडों से कहता है, ओए इनको अभी रस्सी से बांध कर समंदर में इनको फेंकाओ और इनकी गंदी सी झोंपड़ी को भी गिरा दो। तो फौरन वहां वो मायावी आम प्रकट होता है। तो वो मायावी आम बोला, मोहन अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से ये पल्लू सिंह और इसके गुंडे वापस भी नहीं आ पाएंगे। और वो मायावी आम पल्लू सिंह और उसके गुंडों को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उन्हें गायब कर देता है। तो वो मायावी आम मोहन से बोला, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब इन आमों को बेचकर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हो। और मोहन अपने ट्रैक्टर पर उन आमों को बेच आता है और मोहन को अपना घर और ज़मीन दोबारा से मिल गई और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगा। मैजिकल जायंट मैंगो, ये शातर नगर गांव था। वहां पर एक लालची सेठ पल्लू सिंह रहता था। उसके पास कई एकड़ कब्जे वाली ज़मीन थी जिस पर उसने आम उगाए हुए थे। उसी गांव में एक विमला नाम की एक विधवा महिला थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन। पल्लू सिंह ने उनके घर पर कब्जा किया हुआ था और वो बेचारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहे थे। पल्लू सिंह दूसरों के घरों
और ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेता था और उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता था।